योजनाओं पर हाईकोर्ट ने लगाया रोक। बता दें कि राज्य में सरकार ने दाखिल किए जाने पर जवाबी हल्फनामे में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। सरकार ने कहा कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। कहा है कि ट्रांसजेंडर को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ में बृहस्पति को जनहित याचिका पर समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट के मामले की अगली सुनवाई आज की नियत की है। इसके साथ ही अधिसूचना जारी करने पर रोक भी लगा दी है और उसको बढ़ाया भी गया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवनिया की खंडपीठ ने यह साबित करते हुए आदेश रायबरेली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडे व अन्य की जनहित याचिका पर दिया। बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिका की ओर से दलील दी गई कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेन देन नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट करना अनिवार्य है, उन्होंने ऐसा बताया। और इस पे चुनाव को रोक भी लगाया गया था। तो आज बताया जाए कि चुनाव होगा या नहीं और ओबीसी के बारे में भी आज पूरी विस्तार से बताया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अगले न्यूज़ में आपको ज़रूर बताऊँगा।